हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय थर्ड व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम माइक लेने जा रहे हैं कबाड़ी बाजार सीमापुरी में, जो कि क्योंकि फ़ोन से हम रिकॉर्ड करते थे तो अब तक आवाज़ इतनी अच्छी आ नहीं रही थी। और अब सोचा है कि हमने माइक लेके आ जाए, अफोर्डेबल माइक लेके आएंगे, जो 100-150-300 रुपये का तब का मिल जाएगा तो वो ले आएंगे। बाकी तो ऑनलाइन पूछा भी, बोया का माइक भी बहुत महंगा मिल रहा है, फिर यहाँ पर हमारी शॉप पर मिल भी रहा है तो महंगा ही मिल रहा है, 650 राउंड का मिल रहा है। फिर हमने सोचा कि एक बार कबाड़ी बाजार हो जाते हैं, वहाँ से ट्राईपोड भी देख लेंगे, अगर सस्ता सा मिला तो ठीक है। और अपने दोस्त को बुलाया समीर को, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, तो आप उसको उसे भी देख लेंगे और उससे भी आपको मिलवा दूंगा। और आप देखते रहेंगे, ब्लॉग में बने रहें, ठीक है। थोड़ा खराब होता रह गया है, अमीर का दो बार फोन आ गया, इसको पूछा कहाँ नहीं गया भाई, मैंने ये फ़ोन करके बताया उसे, मैं पहुँचने वाला हूँ। अमीर भाई से मिल चुके हैं, अमीर भाई को लेके जा रहे हैं। अमीर भाई हेलो तो कर दो। हेलो भाई, माइक लेने जा रहे हैं। और माइक लेने तो मास्क तो लगाओ, 2000 का चलान कटेगा नहीं तो। और स्टैंड ट्राईपोड कहा है कि हम पैदल ही चलते हैं कबाड़ी बाजार तक, पैसे वगैरह वैसे नहीं है, 10 रुपये दे रहे थे किराए के वो। समीर ने कहा पैदल ही चल रहे हैं, मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो अभी हम पैदल ही जा रहे हैं, 10-15 मिनट का रास्ता हो रहा है। अब अगर स्कूटी से बैठते या क्या नाम है रिक्शे से बैठते, बैटरी रिक्शा से, तो 5-5 रुपये लेता वहाँ तक छोड़ने के। समीर ने कहा नहीं जी पैदल ही चलेंगे, हमें 5 रुपये ही कचौड़ी खिला देना, तो अभी कचौड़ी खिलाएंगे समीर भाई को। बोलर माइक भाई को कॉलर माइक मिल गया, फाइनली मिल चुका है बहुत ढूंढने के बाद। खोलो तो भाई से चेक करो यार। तो अभी हमने माइक लिया है, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और बिजी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी भाई ने पैसे बताए 150 रुपये कि हम माइक लेके आ चुके हैं, 100 रुपये का माइक मिला है और कंपनी का तो कुछ पता ही नहीं है। और ये क्वालिटी अच्छी है और कंपनी अपने आप से बना रखी है, अपने आप से ही बना रखी है। पर ये फोम का टुकड़ा लगा दिया, फोम का टुकड़ा और बस छोटी सी वायर और एक लीड और हमने से माइक बन गया। चलो तो है गाइस, अभी हम माइक लेके आए हैं और इसका टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आवाज़ सही आती है नहीं आती है। और वैसे तो 100 रुपये का माइक है, उसके बाद देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो चलाएंगे और अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर देखते हैं वापसी कर जाएंगे, फिर कोई दूसरा माइक लेंगे। जो यही ये है, तो इससे मैंने शुरू के 2 व्लॉग बनाए थे तो इसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी। और बाकी अगली वीडियो में आप देखना कि मैं माइक से वीडियो बनाऊँगा, दोनों में डिफरेंस देखना कितना है। और ब्लूटूथ डिवाइस तो ब्लूटूथ होते हैं कि फिर वो बाहर की आवाज़ भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, बहुत दूर की भी। अब भी मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें दोनों में डिफरेंस बहुत है। अगर कभी भी आप वीडियो बनाए तो माइक ले लें, अच्छा ही ले लें, पर मेरे पास अभी इतना बजट नहीं था तो मैंने अभी नॉर्मल माइक लेके आए थे, उससे अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जो माइक की टेस्टिंग देख रहे हैं, वहाँ तो मार्केट में देख लिया था, पर भीड़ भड़क बहुत हो रहा था, तो माइक वाले ने कहा कि तुम अपने घर पर जाके चेक कर लेना। तो अभी घर पर आए हैं, वहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो अभी क्वालिटी देखते हैं। माइक ले लिया पर अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है पर अच्छा काम कर रहा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं जिंदगी के नए व्लॉग में। ओके बाय। सही है, बोल कुछ। कल स्टार्ट कर दी? हाँ कर दी, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भाई अभी भाई ने हमें 150 रुपये बताए माइक के, बाकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बाकी देखने के बाद पता चलेगा।